तो आप लोग का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल न्यूज में। दोस्तों मैं आप लोग बता दें कि जितने भी छात्र एवं छात्राएं सुबह में आप लोगों ने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था, जितने भी छात्र एवं छात्राएं टेंथ पास करके, तो उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। और साथ ही साथ आप लोगों का बहुत बड़ा बैड न्यूज़ यह भी है कि आप लोगों ने अप्लाई कर दिया है तो उनका यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यह जो साइट ओपन किया गया था, यह साइट सिर्फ डेमो के लिए था, डेमो के लिए ओपन किया गया था, जहाँ पे बहुत सारे छात्र एवं छात्राओं ने अप्लाई भी कर दिया है और उन्होंने डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिया, लेकिन उनका यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं आएगा। और आप लोग को रिक्वेस्ट है कि आप लोग 5 से 6 दिन रुक जाए, उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा। चलिए इसकी पुष्टि के लिए मैं क्या करता हूँ, आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट पर भी दिखा देता हूँ कि उसका लिंक अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आया है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, हम लोग मेधासॉफ्ट का ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं और यहाँ पे आप लोगों को क्लास 10 से रिलेटेड कोई भी लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है 2023 के लिए। आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे लिंक आप लोगों को मिलेगा सिर्फ 19, 20, 21 और 22 के लिए आप लोग का लिंक एक्टिवेट है, लेकिन 2023 के लिए आप लोग का एक्टिवेट नहीं है। सुबह में एक्टिवेट किया गया था, लेकिन वह क्या था, सिर्फ डेमो लिंक था, जहां से आप लोगों को सिर्फ सीखना था कि आप लोग कैसे उसको अप्लाई करेंगे। वहां से आप लोग को ना तो कोई यूज़र आईडी मिलने वाला है, ना ही कोई पासवर्ड मिलने वाला है गवर्नमेंट की तरफ से। तो चलिए यह थी आप लोग के लिए अपडेट। तो आप लोग को जैसे ही कोई अपडेट आती है तो मैं आप लोग को अपडेट करेंगे, और साथ ही साथ आप लोग कम्युनिटी में भी पोस्ट किया गया है कि आप लोगों का क्या होगा, 5 से 6 दिनों तक आप लोग रुक जाए, उसके बाद ही आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। क्योंकि अप्लाई करने का सेम ही फंक्शन है, सेम ही रूल है, आप लोगों को क्या करना होगा, सेम आप लोग देख सकते हैं 2022 वाले बेसिस पे आपको बताया था, सेम आप लोगों को फॉर्म इसी तरह से ओपन होगा, देख सकते हैं 2022 वाला आप लोग को इस तरह से। 23 का भी ओपन किया गया था, लेकिन सिर्फ डेमो था, आप लोगों ने देखा स्टार्टिंग में ही किया था, मेंटेनेंस में था। और यहाँ पे आप लोगों को फिर से ओपन किया जाएगा, लेकिन अभी 5 से 6 दिन वेट करना होगा। तो जिन्होंने अप्लाई किया था कोई बात नहीं, थोड़ा सा गलती हो गई है आप लोगों से, तो आप लोग हड़बड़ाइए नहीं, आराम से अप्लाई कीजिए, क्योंकि लास्ट डेट लिमिट नहीं रहता इसका, चलिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग जो भी अप्लाई करेंगे आप लोग को इसी तरह से अप्लाई करना होगा। क्लास 10th जो भी पास करेंगे 2023 में, उनके लिए इसी तरह का फॉर्म आप लोग को ओपन होकर आएगा। थोड़ा सा एक झलक दिखा देते हैं आप लोगों को, बस थोड़ा सा सर्वर का इशू है, बारिश का मौसम है ना। चलिए हम, मैंने यहाँ पे क्लिक कर रखा है, क्लिक करने के बाद अभी तक ओपन है, देख सकते हैं यहाँ पे ओपन हो गया है। 2022 का जो फॉर्म आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे, सेम इसी प्रकार से आप लोग को ओपन होगा 2023 का फॉर्म, लेकिन अभी तक लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ था, 6 दिन तक रुक जाइए, उसके बाद आप लोग अप्लाई करना शुरू कीजिएगा, नहीं रहता इसका, अनलिमिटेड तक अप्लाई होता है, ठीक है। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं इसी अपडेट के साथ नेक्स्ट डे।